वेलकम बैक। ये है आपका वीडियो नंबर 3, चैप्टर नंबर 1, C++ रिवीजन टूर के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल सिंपली आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं। ये आपका मेमोरी के अंदर कुछ लोकेशंस है, डिपेंड करते हैं आपके डेटा टाइप के ऊपर। आपको मेमोरी में कुछ स्पेस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ इंट ए, इसका मतलब क्या है? ए आपका एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, मुझे एक मेमोरी में एक स्पेस मिली जो कि आपकी होगी 2 बाइट की, और इस स्पेस का नाम है ए। और मैं थ्रू आउट द प्रोग्राम इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया 10, तो इसके अंदर अभी 10 है। बाद में मैं इसको वेरी करके ए इक्वल टू 20 कर दूँ, तो ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरी होगी। कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, कॉन्स्टेंट जो फिक्स है, वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी होती है। तो इसके अंदर कितना आ गया? आप 20 आ गया, 10 आपका ओवरराइट हो गया। तो ये आपका क्या है? सिंपली वेरिएबल है। अब देखिए, डेटा टाइप आपके जो होते हैं, डेटा टाइप सिंपली क्या होते हैं कि डेटा आपका किस टाइप का है, आपका डिफाइन करने के लिए डेटा टाइप बनाए गए हैं। 3 बेसिकली टाइप के होते हैं। एक है आपके फंडामेंटल डेटा टाइप, नंबर 2 है आपके डिराइव्ड, एंड नंबर 3 है आपके यूजर डिफाइंड। तो फंडामेंटल डेटा टाइप सिंपली जो आप लोगों ने पढ़े भी हो, इंट, इंटीजर टाइप, करेक्टर टाइप, फ्लोट, डबल एंड आपका वॉइड। तो ये कुछ डेटा टाइप है। इंटीजर 2 बाइट की स्पेस लेता है, समथिंग 32,000 समथिंग, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बुक को आप प्रीफर करें, -2+ आपका सपोर्ट करेगा। करेक्टर जो आपके 255 करेक्टर्स को सपोर्ट करता है। फ्लोट जिसमें आपकी जो डेसिमल या रियल वैल्यूज जो आपकी यूज होती हैं, पॉइंट वाली, फ्रैक्शन वाली जो वैल्यूज होती हैं। डबल एंड फ्लोट दोनों आते हैं रियल कैटेगरी के अंदर। डिफरेंस दोनों में क्या है? मेमोरी के अंदर ये आपका लेता है 4 बाइट की स्पेस, डबल आपका लेगा 8 बाइट की स्पेस। वैसे ही करेक्टर 1 बाइट एंड इंटीजर 2 बाइट। वॉइड आपका एक खाली, यहाँ पे क्या है, एक डेटा टाइप है जो आपका मेनली फंक्शंस के साथ आपका यूज होता है। जब फंक्शन में आप देखते हैं ना, वॉइड मेन मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो खाली जब हमने दिखाना हो तो वॉइड। डिराइव्ड आपके क्या होते हैं? जो आपके डिराइव होंगे फंडामेंटल जो डेटा टाइप है इनसे। एग्जाम्पल के तौर पे आप एरे डिफाइन करते हैं, पॉइंटर्स आप डिफाइन करते हैं, तो ये सब क्या है? ये आपके हैं डिराइव डेटा टाइप, जो आपके डिराइव होते हैं फंडामेंटल से। देन यूजर डिफाइंड, जो यूजर खुद डिफाइन करेगा। देखिए, ये तो डिराइव होंगे, इसमें आप यूज करेंगे इनका, यहां पे आप खुद ही बनाते हैं। जैसे आपका क्लासेस आप यहां पे क्रिएट करेंगे, क्लासेस आप क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्चर्स आप क्रिएट करेंगे, एनम आप यहाँ पे एन्यूमरेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये सबके सब क्या है? यूजर डिफाइंड है, जो हम खुद यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ये आपकी कुछ कैटेगरीज थी आपके डेटा टाइप्स की। यहाँ पे हमने देखा वेरिएबल, जो आपका वैल्यू वेरी करता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, एंड आपके डेटा टाइप, फंडामेंटल डेटा टाइप, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाहें तो मॉडिफायर्स भी देख सकते हैं, मॉडिफायर जो इन डेटा टाइप की वैल्यूज को मॉडिफाई करेंगे, जैसे आपके साइंड एंड अनसाइंड। बाय डिफॉल्ट आपकी हर एक वैल्यू, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, हर किसी की साइंड होती है। मतलब अगर आप डेटा टाइप के आगे साइंड लिखें तो भी चलेगा, ना लिखें तो एक ही बात है। अनसाइंड सिंपली आपका क्या करता है, वो आपका जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हटा के केवल आपका पॉजिटिव वैल्यू को देखेगा। मेनली फॉर एग्जाम्पल जो इंटीजर है, इसकी जो लिमिट है वो है -32,000 से +32,000। तो अगर मैं उसमें अनसाइंड लिख देता हूँ इंट लिखने से पहले, तो सिंपली आपका जो माइनस वाला पार्ट है वो स्किप हो गया। अब जो वैल्यू है वो आपकी 0 to जो आपकी माइनस है वो भी प्लस में जुड़ गई। तो टोटल 32+32 एंड समथिंग जो होता है मिला के 65,000 समथिंग तक वैल्यू चली जाएगी। तो नेगेटिव अगर आप डालते हैं तो उसमें एरर आती है। तो ये आपका काम होता है मॉडिफायर्स का, जो सिंपली आपके इनकी जो वैल्यूज हैं उनको मॉडिफाई करेगा। तो ये आपके थे कुछ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल वीडियो नंबर 3 के अंदर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जो कि होगी वीडियो नंबर 4।